Hello, welcome to BeingGuru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called testing of hypothesis for difference of standard deviation in case of large sample. तो ये test of significance of difference of standard deviation है in case of large sample. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था single mean के लिए significance test कैसे लगाते हैं जब sample large होगा और difference of mean के लिए significance test कैसे लगाते हैं जब sample क्या रहता हमारा large रहता है. अब हम standard deviation के difference के test की बात कर रहे हैं. तो सपोज करो हमारे पास क्या है, दो पॉपुलेशन है, दैट इज पॉपुलेशन P1 एंड पॉपुलेशन P2. ठीक है, ये दो पॉपुलेशन है. पहली पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, सपोज करो वो कितना देकर रखा है आपको, सिग्मा 1 देकर रखा है, और सेकंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको सिग्मा 2 देकर रखा है. ठीक है, फिर हमने क्या करा, इन दोनों पॉपुलेशन सैंपल निकाला S1 और S2, दो अलग अलग सैंपल निकाले दोनों पॉपुलेशन से S1 S2. जो sample 1 है उसका size n1 है, sample 2 का size n2 है. ठीक है, sample 1 का standard deviation आपको known भी हो सकता है या unknown भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपको known है तो क्या हो जाएगा वो S1, इसका मतलब क्या होगा standard deviation of first sample, और S2 का मतलब क्या होगा standard deviation of second sample. अब हम यहाँ पे क्या जानने में interested रहेंगे कि क्या ये जो sample के standard deviation है उनमें कोई difference है, या हमेशा बोल सकते हैं कि ये जो सैंपल उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके स्टैंडर्ड डिविएशन क्या इक्वल है, ये हम जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे. तो हम यहाँ पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या मानेंगे कि दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब जो दो सैंपल है वो उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, अब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा कि सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2, मतलब दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट, या हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है पहली पॉपुलेशन का वो बड़ा है सेकंड पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से, या सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है फर्स्ट पॉपुलेशन का वो छोटा है सेकंड पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से. तो इन दोनों को हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट और इसको बोलते हैं हम टू टेल टेस्ट. ठीक है, ये हमने बताया था कैसे अप्लाई करते हैं. अब इसके बाद जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला होता है जेड का इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या होगा, जेड इक्वल्स टू S1 माइनस S2, है ना, दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा S1 माइनस S2. ठीक है, तो ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए यहाँ पे S1 S2 का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा बोथ सैंपल का. अब ये जो लिखा मैंने यहाँ पे सिग्मा S1 माइनस S2, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालना है. अब इसमें भी दो केस आएंगे, पहला केस क्या आएगा यहां पे कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा रहेगा, नॉन रहेगा. अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन रहेगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे सिग्मा S1 माइनस S2 का वो क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n2. ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन रहेगा. ठीक है, दूसरा केस अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, है ना, मतलब इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज अननोन और सैंपल हमारा लार्ज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो सैंपल के वेरिएंस है उनका यूज करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में. दैट मींस क्या हो जाएगा यहां पे हमारा फार्मूला, जो सिग्मा S1 माइनस S2 है उसके इसमें फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन में 2n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन में 2n2, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला. ठीक है, तो ये फॉर्मूला की वैल्यू निकालने के बाद हम Z में वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमारे Z की वैल्यू आ जाएगी, है ना. फिर आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहेगा कि 5% पे करना है या 1%, है ना, या टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है. तो ये जो वैल्यू रहती है टेबल वैल्यू, इससे हमारी Z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसको हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Z की जो कैलकुलेटेड Z रहता है उसको कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड Z से, है ना, ये जो टेबल की वैल्यू देकर रखी है आपको, है ना, वन टेल और टू टेल टेस्ट के लिए. अगर कैलकुलेटेड Z की वैल्यू टेबल Z से बड़ी आती है तो हम क्या करते हैं उस केस में, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं और क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस है
स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में वो कैसा आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। दूसरा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू z की छोटी आ गई टैबुलेटेड वैल्यू z अल्फा से, तो हम क्या बोलेंगे, h नॉट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आपको बोला है कि रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम टू कंट्रीज गिव द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द हाइट ऑफ एडल्ट मेल। तो आपको दो कंट्री दिए ए और बी, और मीन हाइट दिए इंचेस में, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया दोनों कंट्रीज का, और नंबर इन सैंपल देकर रखे हैं, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है, पहला इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन सिग्निफिकेंट, और सेकंड बोला है इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्निफिकेंट। तो हम जो सेकंड वाला पार्ट है वो पहले कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट टॉपिक पढ़ा है, फर्स्ट वाला पार्ट इसके बात करेंगे, है ना। तो हमको क्या बोला है, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्निफिकेंट, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंट्री वन मतलब एन वन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, और एन टू बोले तो कंट्री टू का जो डेटा दिया वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 हो जाएगा। सिमिलरली जो मीन रहेगा, है ना, कंट्री वन की मीन हाइट है मेल की वो कितनी 67.42 इंचेस दी है, 67.42 इंचेस, और ऐसे ही एक्स टू बार जो दिया है वो आपको दिया 67.25 इंचेस, ठीक है। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हाइट का वो आपको देखे रखा है यहाँ पे 2.5 फीट और 2.50, ठीक है, ये आपको डेटा ऐसा देके रखा है, ठीक। तो अब जो हम सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या चेक करना है, क्या जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड डिविएशन वो सिग्निफिकेंट है। तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलेंगे, हमारा जो अजम्पशन रहेगा कि जो डिफरेंस है दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब हम क्या मानेंगे कि जो सिग्मा वन और सिग्मा टू है वो कैसे यहाँ पे इक्वल है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो जो अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा कि दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे टू टेल्ड हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा बोलते हैं कि एक का स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे से कम या ज्यादा है तो हमारा वन टेल्ड टेस्ट रहता, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं इसलिए हमारे यहाँ टू टेल्ड टेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे z टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो z टेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन s1 - s2 डिवाइडेड बाय सिग्मा s1 - s2, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हम यहाँ ध्यान से देखें, s1 s2 में दिया हुआ है बट जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया है। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ या जाएगा s1² / 2n1 प्लस s2² / 2n2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले सिग्मा s1 - s2 इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब s1 की वैल्यू देखे तो कितनी 2.5 फीट है, तो ये जाएगा 2.5 फीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, ये रूट के अंदर ही है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू n1 कितना है 1000 है, प्लस s2 मतलब क्या है 2.50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, मतलब 2 इनटू कितना है ये 1200 है, ठीक है। तो जब हम सिग्मा s1 - s2 को सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो सॉल्व करने में इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.07746, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यू, तो सिग्मा s1 - s2 की जो वैल्यू आएगी 0.07746, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब तुम्हारा z की वैल्यू क्या जाएगी, देयरफॉर ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, z में रख दूंगा, और s1 - s2 मुझे यहां से मिल जाएगा, देयरफॉर z कितना हो जाएगा यहां पे, s1 कितना है हमारे पास 2.58 और s2 कितना है 2.50, डिवाइड किससे कर देंगे इसको हम, सिग्मा s1 - s2 से कर देंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां पे 0.07746। तो हमारी जो z की वैल्यू है अगर हम देखें तो कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको मॉड z लिख ले हम, तो कितनी आ रही है यहां पे z की वैल्यू, जब माइनस करके मैं डिवाइड करूंगा तो z की वैल्यू आएगी यहां पे 1.03, ठीक है। अब यहां पे हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल्स टू 5%, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम 0.05
0.05, ठीक है। तो अल्फा कितना मान लेंगे हम यहाँ पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ देके नहीं रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड की 5% पे है ना। अब हम क्या करेंगे, जो टेबुलेटेड जेड है, टेबुलेटेड जेड इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, जेड कितने पे, 5% पे, कितना आएगा, 1.96 आएगा, किसके लिए, फॉर टू टेल टेस्ट के लिए। देखो यहाँ पे टेबल जो बना उसमें बता रहा हूँ आपको वैल्यू कैसे निकालिए, फॉर टू टेल टेस्ट, ठीक है। तो देखिए टू टेल टेस्ट के लिए 5% पे जेड अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.96 आ रही है टू टेल टेस्ट के लिए, तो हम ये वैल्यू का यूज करेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो कैलकुलेटेड जेड है और जो टेबुलेटेड जेड आ रहा है उसको कंपेयर करा, तो कैलकुलेटेड जेड था 1.03 और टेबुलेटेड जेड था 1.96। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड जेड है वो टेबल जेड से छोटा आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि जो दो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम ये मान बोलेंगे, ठीक है, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था, तो कभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन में। तो बस मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ सर क्या रहेगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम मानेंगे दोनों मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, और उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा जेड टेस्ट का, फर्स्ट केस में जेड इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। अब यहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, तो हम क्या करेंगे, जो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार है उसको, उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ s1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर अपॉन में n1 और प्लस s2 स्क्वायर अपॉन में n2, ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि दोनों पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना, ये हमारा नल हाइपोथेसिस रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं जेड की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितनी आ रही है। जब आप सॉल्व करेंगे तो जेड यहाँ पे आएगा 1.56, यहाँ भी आप अल्फा कितना मानेंगे, 5% मानेंगे, और यहाँ भी टेस्ट हमारा टोटल टेस्ट ही रहेगा, है ना, क्योंकि h1 क्या आएगा, μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे कि आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो अगर हम देखें जेड की वैल्यू 1.96 है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा, एक्सेप्ट ही होगा, है ना, मतलब दोनों के मीन में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले वाला वीडियो है, उसके लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। मैं करवा चुका हूँ, मैं करवाया नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।